दरवाजे आए, इमाम कहते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बेटा जी से कहती है कि एक वादा मैं इससे लेना चाहती हूँ कि जब तक ये मुझे साथ नहीं ले लेगा ये जन्नत में कदम नहीं रखेगा। कहते ठीक है, इमाम इस पर भी राजी हो जाते हैं। उधर बैबे कल्बी भी अपना वादा पूरा करता है। बस इसके बाद बैबे कल्बी मैदान में आते हैं और क्या शानदार जंग करते हैं। बहुत अश्किया गुमासी में जहसम करते हैं, लेकिन खून से नहाए हुए अपनी माँ के पास वापस आते हैं। सोचते माँ राजी हो जाएगी, माँ खुश होगी, लेकिन माँ कहती है बहन जब तक मैं तुम्हारा सर तन से छुड़ा ना देखूं माँ उससे राजी ना होगी। बस ये सुनता था कि बहन वापस आते हैं मैदान में, रुस्तम शिव का गुलाम ये पूरा मंत्र सुन रहा होता है। वो आगे शिव से बताता है तीन दिन के भूखे प्यासे बहन आगे कहाँ तक जम करते, जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। रुस्तम बहबे कल्बी का सर जुदा करता है और शिव उनका सर लेके उनकी माँ की तरफ फेंकता है। उनकी माँ उस सर को उठाती है, चूमती है और चूम के फिर वापस उधर फेंकती है और कहती है जो हम अपने माँ पर सत्कार करते थे वो हम कभी वापस नहीं लेते हैं। ये मंजर उनकी सौजा देख रही होती है और वो मैदान में आती है। रुस्तम उनके सर पर पेंचे से वार करता है, सर पारा पारा हो जाता है। इमाम का वादा था कैसे ना पूरा होता, इमाम का वादा था कैसे ना पूरा होता। जनाब बहबे कल्बी के साथ साथ उनकी सौजा के रूह भी जन्नत को परवास कर जाती है।